हर साल दिवाली के मौके पर बाजार में सोने और चांदी की खूब खरीदारियां होती है। दिवाली के समय में हजारों किलो सोना बाजार में बेचा जाता है, लेकिन इस बार बाजार की रौनक कुछ खास नहीं है। लगातार पिछले कई महीनों से सोने और चांदी के भाव में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि लोगों ने सोने और चांदी को ना खरीदने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि आज भी सोने के भाव में 50 रुपए का उछाल देखने को मिला है। सोने का ताजा भाव 38,810 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। दरअसल धनतेरस की वजह से बाजार में सोने की मांग बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सोने का भाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोने और चांदी में बढ़ोतरी के कारण मध्यम वर्गीय परिवार को सोने और चांदी के गहने खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को इंतजार है कि आखिर कब सोने का भाव कम होगा और वे सोने के गहने खरीद पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस समय मांग में बढ़ोतरी के चलते सोने और चांदी के भाव में कोई भी गिरावट के आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि दिवाली का त्योहारी सीजन पूरा होने के बाद एक बार फिर से सोने के भाव निचले स्तर पर आ सकते हैं। बात करें चांदी के भाव की तो चांदी भी अपना रंग बदलता हुआ नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, चांदी का भाव 46,690 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है।